हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान क्या होता है और उसको बताया किसने था और उसके लिए उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या होता है वह हम देख चुके थे। आज हम आपका देखेंगे धातु एवं अधातु की अभिक्रिया क्या होती है। कहने का मतलब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि आप धातु देखेंगे बच्चों कि धातु के विषय में आप देखेंगे तो आपको बताया जा चुका है धातु जो होते हैं बच्चों उनके जो बाह्यतम कोष होता है, जिनका बाह्यतम कोष होता है बच्चों उसमें आपके एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो बच्चों जो आपके अधातु होते हैं उनमें आपके तीन से ज़्यादा और मेनली पाँच छ सात इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। और जब धातुएं और अधातुएं, जब बच्चों धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रियाएं करती हैं तो आपका वह एक कंपाउंड बनाती हैं, वह आपका कंपाउंड बनाती हैं। जैसे कि बच्चों हमने लिया यन्ने और यदि हम यन्ने ले लें तो यन्ने का आप देखेंगे यन्ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और यन्ने प्लस और ई माइनस बनाता है और सीएल एक इलेक्ट्रॉन को अटेन करके क्या बना देता है बच्चों, सीएल माइनस बना देता है और इस हिसाब से आपका जो निर्माण होता है बच्चों क्या हो जाता है, यन्ने सीएल का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब जब आपका प्रबल धन विद्युतीय तत्व ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आता है वह उससे जुड़ता है तो आपका क्या बना दिया बच्चों, आयनिक कंपाउंड मतलब आपका लवण बना दिया। यहाँ पर आपका यानी कंपाउंड यानी सीएल है मतलब आपका एक साल्ट है। अब क्वेश्चन उठा, जैसे आपका कैल्शियम हमने ले लिया और कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ बच्चों मिलता है तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, यदि हम इसे रिएक्शन के थ्रू दर्शाएं तो सीए क्या होगा, सीए टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और यदि बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन पता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बराबर इसके चार्ज आए क्या, यहाँ पर बच्चों देखिए टू प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है, अगर इस माइनस को आपको बराबर करना है तो यहाँ पर आपको टू लाना पड़ेगा और दो इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करेगा और टू सी एल माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट कर सकते हैं तो बचा क्या बच्चों, तो टू सी एल माइनस और सी ए टू प्लस आपका क्या बना दिया बच्चों, सी ए सी एल टू ये बना दिया बच्चों। तो अब बात करें ये आपका बन क्या रहा है बच्चों, ये बन रहा है आपका कंपाउंड बन रहा है, यौगिक बन रहा है। जब अधातुएं और धातुएं आपस में अभिक्रियाएं करती हैं तो जनरली साल्ट का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर बच्चों साल्ट का निर्माण आपका कर रही हैं। अब ये किसके थ्रू कर रही हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ये दे करके अपना धनायन और ऋणायन बना रहे हैं जिसके फलस्वरूप आपका कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर बच्चों यदि आप देखें तो धातुएं और अधातु इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, कोई ले रहा है, तो कहने का मतलब निकला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रही हैं या ले रही हैं। तो मतलब जब कोई भी तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, मतलब वो बंध का निर्माण कर रहा है। तो बंध क्या है बच्चों, बंध वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके एक अस्थाई अणु बना देते हैं। तो अब बंध बच्चों आपको दो ही जानना है, एक आयनिक बंध बच्चों और एक होता है आपका सहसंयोजी बंध। और जो बच्चों आपका आयनिक बंध होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है बच्चों, और जो वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है बच्चों और जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना उसे आयनिक बंध कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना उसे सहसंयोजी बंध कहेंगे। जैसे बच्चों आपका H2,
तो हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को बच्चों क्या होना है, आपका स्टेबल होना है। तो ये बेचारे क्या करेंगे, कहेंगे भाई साहब आइए हम दोनों हाथ मिलाएं और कुछ नया खेल कर जाएं। तो ये देखिए, अब ये दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो आपका एक बंध का फॉर्म कर दिए, एक बंध बना दिए। तो यही कह रहा है, यच एकल बंध यज रहा बच्चों। तो ये साझे से बना तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये किससे बना, साझे से बना तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सहसंयोजी कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, सहसंयोजी कहेंगे। और जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए NaCl बनता, तो Na के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है, और Cl का बच्चों क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इनको देगा और आपका क्या फॉर्म कर देगा बच्चों, Na जब दिया बच्चों तो Na प्लस हो गया, और जब क्लोरीन ने लिया तो क्या हो गया आपका, Cl माइनस हो गया, और दोनों ने मिक्स हुआ। देखिए यहाँ एक प्लस एक माइनस है, तो मतलब क्या हो सकता है आपका, NaCl बना। तो आपका ये कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड। तो अब धातुएं और अधातुएं कब क्रिया करेंगी, जब आपका प्रबल धन विद्युतीय तत्व हो, और आपका जब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हो, मतलब धन विद्युतीय धातु हो और ऋण विद्युतीय अधातु हो, और आपस में आपकी जुड़ेंगी तो आपके नए नए कंपाउंड बनाएंगी। तो जुड़ने का दो तरीका हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके बुक में है, एक आयनिक है और एक बच्चों क्या है, सहसंयोजी है। तो इसके विषय में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो आपके डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगले दिन अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे आपके डाउट्स और नए वीडियो लेक्चर्स। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।